दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस समय पानी पीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। दोस्तों पानी शरीर का सार है। हमारे शरीर का लगभग 75% हिस्सा पानी का है। हमको दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, मगर कुछ गड़िया ऐसी होती है जिनमें पानी पीना अनेक रोगों को आकर्षित करता है। ऐसे में हमें इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं किस समय पानी पीना हानिकारक होता है। नंबर वन है दोस्तों, बिल्कुल सोते हुए अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सोच आते ही अगर हम पानी पी लेते हैं तो भी ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगर आप टॉयलेट यानी कि लघु शंका मूत्र निवारण करने के बाद भी अगर आप पानी पीते हैं तो भी ये नुकसानदायक होता है। अगर आप दूध पीते हो और उसके बाद आप पानी पी लेते हैं, ये भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। चाय पीते ही पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद चाट खाते ही अगर आप पानी का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। चने का सेवन करने के बाद भी अगर हम पानी पीते हैं तो भी ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना हानिकारक होता है। अगर आप कहीं से चलकर आए हैं और थक गए हैं और उस दौरान अगर आप पानी पीते हैं तो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। कहीं धूप से बाहर आते हैं और आपको पसीना हो रहा है या पसीने से लथपथ हैं और आप पानी का सेवन करते हैं तो भी ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। भूखे पेट अगर आप व्रत खोलते ही पानी पी लेते हैं तो भी ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों इन परिस्थितियों में अचानक से पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही शरीर का तापमान सामान्य हो तब हमें पानी पीना चाहिए, अन्यथा शरीर और पानी दोनों का तापमान अलग अलग होने पर शरीर कई रोगों की चपेट में आ सकता है। दोस्तों कई बार भोजन के तत्काल बाद गले में सुस्की जैसा लगता है, जिससे विचलित होने के बजाय आप उसको सहन करने की आदत डालिए। जो लोग भोजन के बाद पानी पीते हैं वे लगभग 1 घंटे तक सब्र जरूर रखें। तो दोस्तों ये है कि पानी हमें किस समय नहीं पीना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।